तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि नेवी एप्लीकेशन से जो है लोन कैसे ले सकते हैं, ठीक है। लाइव आप लोग के सामने जो है लेकर दिखाएंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। और गाइज चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो करना क्या गाइज, आप 22,000 से जो है 20 लाख तक का लोन जो है इंस्टेंट जो है ले सकते हैं। ये जो आपके सिविल स्कोर पर डिपेंड करता है कि आपका सिविल स्कोर कितना ज़्यादा, जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही जो है आपका लोन ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो करना क्या है, नेवी एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद इस एप्लीकेशन में जो है आपको क्या करना है, साइनअप कर लेना है, साइनिंग यानी कि लॉगिन कर लेना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपका मोबाइल नंबर डाल देना है, और मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे करना क्या है, ओटीपी आएगा, ओटीपी क्या कर लेना है, फिल कर लेना है। जैसे ओटीपी को फिल करेंगे तो इस एप्लीकेशन में जो है रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे लोकेशन, डिवाइस, एसएमएस, कॉन्टैक्ट सब ऑन करने के लिए दे रहा है, अलाउ करने के लिए दे रहा है, तो अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो करना क्या, आपको गोल्ड बाई कर लेना है 10 रुपये का, ठीक है। गोल्ड बाई जैसे ही कर लेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटल गोल्ड, ठीक है, इस पर क्या क्लिक करके और गोल्ड बाई कर लेंगे। 10 रुपये पेमेंट लगेगा, 10 रुपये कटवा देंगे। ये जो है 10 रुपये अगर कटवाते हैं तो 10 रुपये बाद में आपको मिल भी जाता है, ठीक है। उसके बाद करना क्या, यहाँ पे कैश लोन पे क्लिक करके, और देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कैश लोन अप टू 20 लाख, ठीक है, यानी कि 20 लाख तक का जो है लोन आपको मिल सकता है। तो करना क्या, यहाँ पे 20 लाख पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। कैश लोन अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो 20 लाख पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे प्लीज वेट लिख रहा है, वी आर इंस्टॉलिंग कैश लोन ऐप, ठीक है। तो करना क्या है, इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा उसके बाद, ठीक है। उसके बाद करना क्या, आप देख सकते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मांग रहा है, यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे लोन अप्रूवल टेकन लेस दैन 2 मिनट लिख रहा है, ठीक है। 2 मिनट के अंदर में यानी कि आपको जो है लोन मिल जाएगा। उसके लिए करना क्या है, आपको पैन कार्ड लगाना है, वर्क डिटेल लगाना है, मंथली इनकम वगैरह सेट करना है, और बैंक डिटेल लगाना है ताकि उसमें पैसा है, और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना है, ठीक है, इतना करना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप करना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे नीचे टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर लेंगे। इतना क्लिक करने के बाद आपका जो है पैन कार्ड नंबर डालने के लिए आ जाता है, ठीक है। जो आपका जो है पैन कार्ड नंबर यानी कि पैन कार्ड नंबर भी डालने के लिए आ जाता है, और यहाँ पे पैन कार्ड नेम भी डालने के लिए आ जाता है। पैन कार्ड नेम और पैन कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो, और पैन कार्ड नंबर डाल के, और यहाँ पे क्या करेंगे, वेरीफाई पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। इतना क्लिक करने के बाद देख सकते हो गाइस इस प्रकार के इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर लेता हूँ। करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो गाइस और डिटेल पूछ रहा है, पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डाल लेना है, ठीक है। और यहाँ पे सैलरी है आपका, मंथली आता है कि यहाँ पे आपका कोई बिजनेस है, अगर आपका कोई बिजनेस हुआ तो सेल्फ एम्प्लॉयड पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मंथली इनकम आपका कितना है, ठीक है, यहाँ पे मंथली इनकम सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। 20,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख जितना आपका मंथली इनकम होगा आप क्या कीजिएगा, वहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। और ऊपर ध्यान रखिएगा आपको क्या करना है, यहाँ पे पैन कार्ड नंबर जो है क्लिक कर लेना है। यहाँ पे अगर सैलरी मिलता है आपको कहीं जॉब वगैरह करते हैं, सैलरी पे क्लिक करके मंथली इनकम पे क्लिक करके, और यहाँ पे मंथली इनकम जो है डाल लेंगे, 25,000, 20,000 इस तरह का डालेंगे। डालने के बाद यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, यानी कि नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे गेटिंग बेस्ट इंटरेस्टेड रेट बताएगा, ठीक है। और तो करना क्या, देख सकते हो सर्चिंग ले रहा है। उसके बाद करना क्या, देख सकते हो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, यानी कि आपका जैसे पैन कार्ड डेटा लेंगे तो आपको बता देगा सिविल स्कोर कितना है, उतना तक का लोन जो है दे देगा। तो मेरे 22,000 बता रहा है, 22,000 लोन जो है मिल जाएगा, ठीक है। करना क्या, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे बैंक का जो है IFC कोड डाल देना है, अपने बैंक का। जैसे ही IFC कोड डालेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बैंक का जो है IFC कोड डाल देता हूँ। डालने के बाद यहाँ पे नीचे टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं भाई, टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पे प्लीज़ वेट, वी आर वेरीफाइंग योर बैंक अकाउंट बाई सेंडिंग 1 रुपीज़, ठीक है। यानी कि 1 रुपये आपके अकाउंट में भेजेगा और फिर आपको पता करेगा कि आपका जो है बैंक अकाउंट है वो मतलब गलत तो नहीं है। तो अगर आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपया आ जाएगा तो समझ लीजिए आपने बैंक अकाउंट जो है सही डाला है। तो 1 रुपया भेज के चेक करेगा तो मेरे अकाउंट में आ चुका है। आने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ठीक है, यहाँ पे सेल्फी और योर एड्रेस वेरीफाई करने के लिए दे रहा है कंप्लीट वेरीफाई, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फी ले लेंगे, ठीक है, यानी कि सेल्फी लेके बता देंगे कि हाँ हम ये जो है लोन लेना चाहते हैं। तो सेल्फी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एड्रेस को भी वेरीफाई करना है लेकिन आगे करना है, ठीक है। तो करना क्या, यहाँ पे सेल्फी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है ऊपर, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेल्फी वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपने डिजी लॉकर में अकाउंट बनाया है तो डिजी लॉकर को जो है, डिजी लॉकर में अकाउंट बनाया है तो डिजी लॉकर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और अगर डिजी लॉकर अकाउंट नहीं बनाया तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में देख के बना लीजिएगा, ठीक है। बनाने के बाद यहाँ पे आपका जो आधार ऑटोमेटिक उठा लेता है, तो डिजी लॉकर अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अगर आपका पैन कार्ड है तो पैन कार्ड पे क्लिक करेंगे। डिजी लॉकर अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ठीक है, और यहाँ पे टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ऑथेंटिकेशन आधार पे क्लिक करेंगे, ठीक है। डिजी लॉकर में रिडायरेक्ट कर दिया, टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नीचे ऑथेंटिकेशन आधार लिखा हुआ है इस पर क्या कर ले रहा हूँ, मैं क्लिक कर ले रहा हूँ। क्लिक करने के बाद देख सकते हूँ जी आगे का प्रोसेस यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे करना क्या है, आपको आधार नंबर डाल देना है और यहाँ पे नीचे जो कैप्चा लिखा हुआ है कैप्चा को क्या कर लेना है, फिल कर लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना आधार नंबर ऊपर डाल लेता हूँ और यहाँ पे कैप्चा जो है सेम टू सेम यहाँ पे मैं डालूंगा, ठीक है। डालने के बाद करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिजी लॉकर अकाउंट का जो है
आ गया यहाँ पे डिजी लॉकर अकाउंट में रिडायरेक्ट कर दिया यहाँ पे अलाउ करने के लिए जो है रेडी है। अलाउ पे क्या करेंगे हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हो जी आपका सेल्फी जो है वेरीफाई हो चुका है और यानी कि और यहाँ पे आधार वेरीफाई हो चुका है। अब क्या करना है वीडियो वेरिफिकेशन करना है। ठीक है वीडियो वेरिफिकेशन 30 सेकंड का लमसम होता है तो आप लोग को क्या कर लेना है 30 सेकंड का अपना चेहरा दिखा देना। ठीक है 30 सेकंड के वीडियो में उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे नीचे लिखा रहा है लोन अमाउंट 22,000 तक मेरे अकाउंट में जो है जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे इंस्टॉल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पैन कार्ड का एड्रेस मांग रहा है। ठीक है यानी कि आपके पैन कार्ड में आधार कार्ड में जो भी यानी कि एड्रेस है वो यहाँ पे मांग रहा है डालने के लिए। ठीक है तो वो आधार कार्ड और पैन कार्ड में देख के डेट यहाँ पे एड्रेस जो है फिल कर लीजिएगा। ठीक है एड्रेस 1 एड्रेस 2 और या पोस्ट ऑफिस वगैरह अपने गांव का कॉलोनी का नाम और पोस्ट ऑफिस वगैरह सेलेक्ट करके और पिन कोड सेलेक्ट करके और यहाँ पे सिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे सारा डिटेल आ जाएगा आगे का प्रोसेस देख सकते हो गाइस आ गया। ठीक है आई या नहीं आ रहा यानी कि 22,000 मेरे अकाउंट में जो है आएगा। ठीक है यहाँ पे दिखा रहा है और यहाँ पे एक बार और मैं क्या करता हूँ डिटेल डाल लेता हूँ। ठीक है देख सकते हो गाइस 22,000 मेरे अकाउंट में जो है आएगा। ठीक है तो करना क्या यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अभी मेरे अकाउंट में इंस्टेंट जो है क्रेडिट हो जाएगा। तो गाइस जैसे इतना प्रोसेस आप लोग फॉलो कर लेंगे तो आपके अकाउंट में जो है 2 मिनट के अंदर ही लोन इंस्टेंट जो है मिल जाते हैं। ठीक है तो करना क्या गाइस जैसे जैसे मैं आपको प्रोसेस बताऊँ सिंपली उसी प्रोसेस को आप फॉलो करके जो है नेवी एप्लीकेशन से लोन ले सकते हैं। ठीक है तो गाइस वीडियो मेरे आप लोग को अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।